Hello viewers, welcome to my election special class. जैसा कि हमें पता है कि हम क्लास नाइन्थ का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमने पिछली क्लास में बात की थी सिस्टम ऑफ इलेक्शन की और मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द का इस्तेमाल किया था और मैंने ये कहा था कि आप यदि कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ समझना चाहते हैं तो मेरी अगली कक्षा ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ उसी को डिस्कस करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि इन आर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के अनुसार चलता है। अब ये एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में है कि द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन, अर्थात इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो क्यों डिवाइड किया जाता है ये सोचने की बात है। सो टोटल कंट्री में टोटल 553 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये भी डेमोक्रेसी की एक खास बात है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट है और वोट की इक्वल वैल्यू है। तो इसका क्या अर्थ हुआ और इसको कैसे मैनेज करते हैं? ये भी तो कर सकते हैं कि ठीक है पूरी कंट्री में जितने स्टेट्स हैं और जितने यूनियन टेरिटरी हैं वहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को ले लें, बात हो गई खत्म। इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटने की क्या जरूरत है? तो यदि ऐसा किया जाए तो क्या ये उचित होगा? आप सोच के देखिए, गोवा जो कि सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान जो कि सबसे बड़ा राज्य है, तो क्या ऐसा सही होगा कि हम गोवा से भी एक रिप्रेजेंटेटिव ले लें लोकसभा में और एक रिप्रेजेंटेटिव हम राजस्थान से ले लें? तो क्या ये सही होगा कि वोट तो सही है लेकिन क्या इक्वल वैल्यू मिल रही है? पूरा राजस्थान के लोगों के लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव और गोवा जैसे छोटे से जगह के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव? तो कायदे से ये तरीका उचित नहीं है और यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को बांटा जाता है इलेक्शन के पर्पस से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है किस आधार पर तय की जाती है? एक तो मैंने बोला कि ये एरिया बेस्ड है, तो एरिया बेस्ड में क्या खास चीज है जिसका ध्यान रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है पॉपुलेशन का, क्योंकि कानूनन हम सभी को एक वोट मिला है और उस वोट का जो वैल्यू है वो भी इक्वल है। तो इस इक्वालिटी को कैसे बरकरार रखते हैं? इस इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पॉपुलेशन है उसको रफली इक्वल लेते हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना पॉपुलेशन है उससे कम या थोड़ा ज्यादा दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इसी तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसी को बेस बनाते हैं। यानी पॉपुलेशन एक प्रमुख चीज है जिसके आधार पे एरिया बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज तैयार की जाती है। अब आगे चलिए देखते हैं क्या है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। जो अभी मैंने आपको पॉपुलेशन की बात बताई वही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपने सुना होगा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? एक तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने समझ ली कि ठीक है जब पूरे देश के लिए इलेक्शन हो रहा है तो पूरे भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, कि यदि राज्यों में इलेक्शन हो रहा है तो पूरे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, और यदि लोकल लेवल पे इलेक्शन हो रहा है तो शहरों को और गांवों को, यानी रूरल एरिया और अर्बन एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं, और उसके लिए आधार बनाया जाता है पॉपुलेशन को। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि फिर ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आइए देखें कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। यानी एक व्यक्ति को एक ही समय में दो अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं खुद को लूं तो मुझे ये भी राइट है कि मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकूं, साथ ही मुझे ये भी अधिकार है कि मैं खुद कॉन्टेस्ट फाइट कर सकूं। दूसरा क्या है कि जो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होता है कई बार उसमें सर्टेन ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े वीकर सेक्शन के होते हैं, जिन्हें हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, और कई बार इनके पास बहुत सारी चीजों का अभाव होता है। वो क्या चीजें हैं जिसका अभाव होता है इनके पास? तो जो वीकर सेक्शन है उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्स नहीं होता इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरी बात, कई बार ये एजुकेटेड नहीं होते हैं। और तीसरी बात कि कई बार इनके कॉन्टैक्ट्स, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक नहीं होती है, जिस वजह से इलेक्शन में ये किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से जीत सके या किसी रिसोर्सफुल व्यक्ति से जीत सके ऐसा
बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति या वो रिसोर्सफुल व्यक्ति जो है वो उसे चुनाव में जीतने ही ना दे। तो यदि इस तरह के कमजोर सेक्शन के व्यक्तियों को यदि चुनाव में जीतने का मौका नहीं मिले तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी वर्ग के लोगों की आवाज कैसे उठ पाएगी, सभी वर्ग के लोग कैसे शामिल हो पाएंगे, उनका तो जीतना ही मुहाल हो जाएगा जो वीकर सेक्शन से आए हैं। और ना सिर्फ उनकी आवाज मुखर नहीं हो पाएगी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बल्कि जो हमारी कंट्री है जिसे हम बहुत गर्व से डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें सभी वर्ग के लोगों की आवाज को नहीं सुना गया, सभी वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो पार्लियामेंट और असेंबली जो है वो लेस डेमोक्रेटिक हो जाएंगी, क्योंकि इस वर्ग के कोई लोग वहां नहीं होंगे। दूसरे तो इसीलिए एक स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने ये स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू की। अब इस स्पेशल सेक्शन ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन लोग होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और विमेन, जिन्हें हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी कहते हैं, जो कि कहीं किनारे रह गए हैं और मेन धारा में, जो मेन स्ट्रीम है उसमें सम्मिलित नहीं हो सके हैं, मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं। तो ये सारे वीकर सेक्शन के लोग मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके तो इनके लिए रिजर्व सीट्स का सिस्टम बनाया गया है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में। दूसरी बात यह है कि इस तरह का जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है वहां पे सिर्फ उसी वर्ग के लोग इलेक्शन फाइट करने के लिए या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है तो वहां से कोई भी जनरल क्लास के लोग खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है वहां से कोई दूसरी कास्ट के लोग नहीं खड़े हो सकते। तो खासकर यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट के लिए है तो वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है वहां से सिर्फ उसी कैटेगरी के लोग खड़े हो सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तीसरी और सबसे अहम बात ये कि पहले ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया था और बाद में इसे और एक्सटेंड कर दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अब अदर बैकवर्ड क्लासेस और विमेन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और विमेन, इन चारों को ही मार्जिनलाइज्ड माना जाता है, तो इन सबको सुरक्षा देनी आवश्यक थी, इसीलिए इन्हें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई ताकि ये इलेक्शन फाइट कर सके। क्योंकि ओबीसी और विमेन को लोकल लेवल के गवर्नमेंट में ही इलेक्शन फाइट करने के लिए रिजर्व सीट दिया गया है, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को स्टेट लेवल पे और लोकसभा लेवल पे दोनों ही जगहों पे इलेक्शन फाइट करने के लिए रिजर्व सीट निश्चित की गई है। तो इस तरह से यदि हम देखें, यदि टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम शेड्यूल कास्ट के लिए देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 है और विमेन के लिए लोकल लेवल पे 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखते रहिए मेरे इलेक्शन स्पेशल क्लासेस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।